الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني أسكنت من ذريتي أي ہمارے رب इन्नी बेशक मैंने अस्कंतु मैंने ठहराया है मैंने जगह दी मिन ज़ुर्रियति अपनी औलाद में से मिन ज़ुर्रियति अपनी औलाद में से यानी मुराद है अपनी औलाद में से बाज़ को बिवादिन गैरी ज़ी ज़रअइन एक ऐसी वादी में जो ज़रात वाली नहीं है जिसमें ज़रात नहीं होती जिसमें खेती बाड़ी नहीं होती जो एक पहाड़ी इलाका है मैदानी और ज़री इलाका नहीं है जिस तरह मदीना मुनव्वरा का है ये एक पहाड़ी इलाका है। मैंने जगह दी है अपनी औलाद में से यानी बाज़ को एक ऐसी वादी में जो ज़रात वाला इलाका नहीं है यानी पहाड़ी इलाका है। इन द बैतिकल मुहर्रमी आपके हुरमत वाले घर के पास ربنا ليقيم الصلاة اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم کریں نماز کو فجعل افئدۃ من الناس بس آپ کر دیجئے لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم کہ وہ مائل ہوں ان کی طرف ورزقہم من الثمرات اور رزق دیجئے انہیں من الثمرات پھلوں سے رزق لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا पहले भी हमने दुआएं पढ़ी हैं ये भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हुए कहते हैं कि ऐ हमारे रब रब्बना से महसूस हो रहा है जैसे अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बी नहीं कह रहे पीछे रब्बी मौजूद है रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिनन यहाँ भी रब्बी मौजूद है यहाँ रब्बना मौजूद रब्बी का मतलब ऐ मेरे रब और रब्बना का मतलब ऐ हमारे रब क्या इससे इशारा मिलता है कौन जिक्र करेगा आप में से वो किसी के साथ से मुराद कौन है वो जिसके साथ दुआ हो रही है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। मुफस्सिरीन का कहना है वल्लाहु आलम अल्लाह भी तो जानते हैं कि जो पहली दुआ है ये तब की है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजर और हजरत इस्माइल को जो छोटे थे तो वो छोड़ के गए थे मक्का की सरजमीन में अल्लाह के हुक्म से तो ये तब की दुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब उनको वहाँ छोड़कर उनसे कोई बात किए बग़ैर वापस आ गए थे और पूछा हज़रत हाजर ने हज़रत इब्राहीम की बीवी ने कि आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब नहीं दे रहे थे क्या जवाब देते कैसे मुतमईन करते बहरहाल तो जब नहीं जवाब दिया तो सैयदा हाजर को अंदाज़ा हो गया कि ये अल्लाह के हुक्म से ये काम कर रहे हैं और आजमाइश बहुत मुश्किल थी यानी दुनिया के एतबार से बड़ा मुश्किल है ये समझाना किसी को कि कोई मर्द कैसे अपनी बीवी को और अपने छोटे बच्चे को दूध पीते बच्चे को एक बयाबान जगह पे छोड़ आए जहाँ ना कोई इंसान है ना कोई जानवर ना कोई चरिंद परिंद ना कोई पानी ना कुछ और तो हजरत हाजर पूछती हैं कि आप अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं तो बस हाँ में जवाब देकर इशारा करके वापस मुड़ जाते हैं चले जाते हैं। तो गोया के उस मौके पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको वहाँ छोड़कर अल्लाह से ये दुआ की और ये जो दुआ है ये जो आयत नंबर 37 में मौजूद है ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दुआ कर रहे हैं
वो है कि सैदना इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके हैं और ये खाना काबा की तामीर का अब वक्त है तकरीबन। तो उस वक्त सैदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम चक्कर लगाते रहते थे मक्का का, आते रहते थे। तो उन्होंने जब खाना काबा की पुरानी बुनियादों पर दीवारें खड़ी की हैं, अल्लाह ने बताया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि यहाँ खाना काबा था असल, जिस तरह कुरान करीम में मौजूद है वाइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकान अल-बैती, और जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की जगह बताई, अल्लाह ने बाकायदा निशानदही की सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि ये है बैतुल्लाह की असल बुनियादें, यहाँ बैतुल्लाह की दीवारों को बुलंद करना है और बैतुल्लाह की तामीर नौ करनी है। तो अल्लाह के बताने से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुरानी बुनियादों पर बैतुल्लाह को खड़ा किया, दीवारें बुलंद की, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दफ़ा अकेले नहीं थे, उनके साथ सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम भी थे। जैसे पहले पारे में मौजूद है वाइज़ यरफ़ऊ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें बुलंद कर रहे थे और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी। और वहाँ कुछ और दुआओं का जिक्र है, वहाँ जो दुआओं का जिक्र है वो रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बना व बअथ फीहिम रसूलन मिन्हुम يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم। वहाँ ये दुआएँ मौजूद हैं कि अल्लाह हमारा ये अमल कबूल कर ले, जिससे पता लगता है कि असल चीज़ अमल करना नहीं है, असल चीज़ उस अमल की कबूलियत अल्लाह के यहाँ। फिर दुआ की कि अल्लाह ताला हम दोनों को अपना फर्मा बरदार बना ले और हमारी औलाद में फर्मा बरदार उम्मत जमात पैदा कर, हमारी औलाद को भी फर्मा बरदार बना दे। और दुआ की कि अल्लाह ताला हमें हमारी इबादत के तरीके सिखा दे। सारी बड़ी अजीम दुआएं हैं, बड़ी अहम दुआएं हैं, जिनको अगर हम अहमियत देते हैं तो अच्छी बात, अगर हम नहीं देते तो हमें अहमियत देनी है और अहतमाम के साथ इन दुआओं को हमें भी तसलसल के साथ अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। और फिर दुआ की सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ऐ अल्लाह हम पर रुजू फरमा, ऐ अल्लाह आप ही बहुत रुजू करने वाले, बहुत रहम करने वाले हैं। और फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला वो जो ख़ास नबी है जिसका अल्लाह ने तमाम नबियों से वादा लिया था, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह ताला मेरी औलाद में वो नबी कर दे, वो लोगों पर आपकी किताब की आयतें तिलावत करे और लोगों को किताब और हिकमत सिखाए और लोगों का तज़किया करे। तो ये दुआएँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये दुआएं को एक ही की हैं और ये पहले पारे में मौजूद है। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद कर रहे हैं, मुफस्सिरीन के नाम का कहना ये है कि ये जो दुआ है ये आयत नंबर 37 में सूरह इब्राहीम में, ये दुआ भी उसी मौके की है वल्लाहु आलम। तो यहाँ रब्बना है, ए हमारे रब, इन्नी अस्कंतु, बेशक मैंने ठहराया, मिन ज़ुर्रियती अपनी औलाद में से, इन्नी अस्कंतु ज़ुर्रियतीनी का, ज़ुर्रियती होता तो गोया कि जितनी भी औलाद है सबको, तो इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, मैंने ठहराया अपनी औलाद में से बाज़ को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ठहराया मक्का में, और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम जो बाद में पैदा हुए थे, कल मैंने कुछ थोड़ा सा इशारतन ज़िक्र किया था, सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम बाद में पैदा हुए 10-12 साल के बाद इस्माईल के, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत के साथ सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत भी मिली थी। तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही फ़लस्तीन बैतुल मक़दिस में रहा करते थे हज़रत सारा के साथ, हज़रत सारा हज़रत इसहाक वहाँ थी, और हज़रत हाजर और हज़रत इस्माईल को मक्का में ठहराया गया अल्लाह के हुक्म से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हुए कहते हैं, हज़रत इस्माईल भी शायद साथ शरीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब,
बेशक मैंने ठहराया है अपनी बाज़ औलाद को एक ऐसी वादी में कि जो ज़रात वाली वादी नहीं है, जहाँ ज़रात नहीं होती, जहाँ पानी नहीं है, जो पहाड़ी इलाका है, इंदा बैतिकल मुहर्रम, आपके हुरमत वाले घर के पास। ये तो पता था सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि ये बैतुल्ला वाली जगह है, ये मक्का का इलाका है, ये पाक सरजमीन है। लेकिन बैतुल्ला गिर चुका था, उसके आसार भी मुनहदिम हो चुके थे, तो एग्जैक्ट पता नहीं था कि बैतुल्ला की बुनियादें कहाँ हैं, वो अल्लाह ने बताई। तो बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह आपके हुरमत वाले घर के पास पहाड़ी इलाके में मैंने अपनी बाज़ औलाद को रहाइश पज़ीर किया, ठहराया, और ये सारा अल्लाह के हुक्म से हुआ था। रब बना ली यकीम उसला, ए हमारे रब, ताकि वो कायम करें नमाज को। अब सैदा हाजर और सैदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा ठहराने के बहुत सारे मकासद थे, अल्लाह का हुक्म था, बहुत सारी हिकमतें थीं। अल्लाह के अहकाम के पीछे हिकमतें होती हैं, अल्लाह के अहकाम वो बग़ैर इल्म और हिकमत के नहीं होते, उसके पीछे हिकमतें होती हैं, और अल्लाह वो हिकमतें बताते भी हैं अपने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह का कोई हुक्म भी इल्म और हिकमत के से खाली नहीं होता, बहुत सारी हिकमतें थीं। लेकिन जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत ज़िक्र की है, जो वजह ज़िक्र की है, वो बड़ी अहम है, और वो है रब्बना लियुकीमुस्सला, ऐ अल्लाह मैंने अपनी औलाद में से बाज़ को ये मक्का की सरज़मीन में, जो जहाँ ज़रात नहीं हो सकती, आपके हुरमत वाले घर के पास, इसलिए मैंने ठहराया ताकि ये नमाज़ कायम करें। यानी अल्लाह की तरफ से जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिकमतें बताई गई, गोया कि ये उनमें से अहम तरीन हिकमत है जिसका सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िक्र कर रहे हैं, बाकी चीज़ों का ज़िक्र नहीं कर रहे। तो इबादत, नमाज कायम करना, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके लिए देखिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर वाले और उनके औलाद वो नमाज कायम करने वाली बन जाए, बैतुल्ला के करीब रहे, और बाद में वहाँ बैतुल्ला बना, हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर बनाया। तो ऐ अल्लाह ये मैंने काम इसलिए किया है, आपके हुक्म से किया है, ताकि ये मेरे घर वाले, मेरी औलाद नमाज कायम करें। बहुत बड़ा मकसद है, बाप की ज़िम्मेदारी है बाप अपने घर वालों को और अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दे, नमाज की तालीम दे, उनका ओढ़ना बिछोना, और ये करार दे कि जी आपका सबसे अहम काम मेरे नज़दीक नमाज पढ़ना है, अल्लाह के हुजूर माथा टेकना है, और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और आप देखिए जो अल्लाह ने हमें अहकामात दिए हैं, उन अहकामात में से वो हुक्म जो सबसे ज़्यादा हमें जिस पर अमल करना होता है, वो अल्लाह की नमाज, वो अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ना है। दिन में 5 मरतबा कम अज़ कम नमाज अदा करनी है, फ़र्ज़ नमाज, बाकी नवाफिल और सुन्नतें वितर वो ज़्यादा नमाजें बन जाती हैं, और बाकी हर इबादत, बाकी हर अमल वो इस्तेआत के साथ है। बाज़ को जिनके पास इस्तेआत है, ज़कात है, इस्तेआत वाला निसाब वाला अदा करेगा, हर एक शख्स पर ज़कात नहीं है, यानी बहुत कम फीसदी मुसलमान वो निसाब के मालिक होते हैं और उन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। रोज़ा सब पर फ़र्ज़ नहीं है, जो सेहतमंद है वो रोज़ा रखेगा, जो मरीज़ है, जो मुसाफिर है, उसको रोज़े की छूट है, अगरचे वो बाद में वो कज़ाई देगा या फ़िदिया देगा अपने हालात के मुताबिक। हज वो इस्तेआत वाले पर फ़र्ज़ है। अहम तरीन इबादत देखिए सब पर फ़र्ज नहीं, लेकिन देखिए नमाज कितनी अहम चीज़ है कि ये किसी सूरत में मुआफ़ नहीं है। अल्लाह ने हर वक्त इंसान को गोया की फ़िक्र दी है कि इंसान नमाज पढ़े, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखे, और इंसान जब नमाज पढ़े तो वाकई में सलात अलिज़िक्री, अल्लाह की याद इंसान के सामने ताज़ा हो जाए, और जब अल्लाह की याद ताज़ा होगी तो फिर इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, फिर ये नमाज और ये अल्लाह की याद इंसान को बेहयाई से भी रोकेगी और मुनकर से भी रोकेगी, और इंसान को हर दम अल्लाह की याद से ताज़ा रखेगी, और इंसान का दिल जो है वो अल्लाह के साथ जुड़ा रहेगा। ये नमाज इतनी अहम चीज़ है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं, वा अमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा,
کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیں, جس سے ادھر ادھر نہ ہوں, خود بھی نماز قائم کریں, نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں وقت پر اور صحیح جو اس کا طریقہ ہے اس کے ساتھ, اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں. ہماری ساری توگو دو, اللہ معاف کرے, آج مادیت پرستی کا دور ہے تو رزق کمائی اور اس کی طرف ہوتی ہے. اللہ صرح سے فرماتے ہیں کہ لا نسلو کا رزق وہم راہلک بالصلاۃ واستبر علیہا لا نسلو کا رزق. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں, خود بھی اس پر ڈٹ جائیں, خود بھی جم جائیں, خود نمونہ بنیں گے تو گھر والے بھی نماز پڑھیں گے. ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کرتے, نہ آپ کی ذات کے بارے میں, نہ آپ کے گھر والوں کے بارے میں. آپ کی ذات کو رزق اور آپ کے گھر والوں کو رزق دینا اللہ کا کام, اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. وہ اللہ جو جانوروں کو, جو پرندوں کو بھوکے نہیں سونے دیتا رات کو, وہ انسان کو جو اللہ کی محبوب مخلوق ہے, تو وہ اللہ انسان کو کیسے بھوکا سونے دے گا. تو ہماری توجہ کا ایک بڑا مرکز وہ ہم نے رزق کو بنایا ہوا ہے, صرف وہ رزق کے علاوہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد ہونی چاہیے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کا ذکر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ساتھ, ان کے بارے میں آتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب میں اپنی امت کے سامنے آپ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں, اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ, وہ وعدے کو سچا کرنے والے تھے, وعدے کے بڑے پابند تھے. وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ, اور وہ رسول نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, ان کی خاص جو عادت تھی, ان کا جو خاص ایک عمل جو اللہ کو بڑا پسند تھا, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور اللہ کو بڑے پیارے تھے اپنے ان اچھے اوصاف کی وجہ سے, بہترین اوصاف کی وجہ سے, کیونکہ گھر والوں کو نماز زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, تو یہ نماز یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے, جنت جہنم کا مسئلہ ہے. تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اگر جہنم سے بچانا ہے اللہ کی ناراضگی سے, خود بھی نماز پڑھنی ہوگی, گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینا ہوگا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی توحید کی کتنی فکر ہے, کل ہم نے پڑھا اپنی امت کی, اور پھر اپنے گھر والوں کی نماز کی کتنی فکر ہے. اے اللہ, میں نے اپنی اولاد کو, اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک بیابان جگہ میں آپ کے حکم سے چھوڑا, اے اللہ اس لیے چھوڑا کہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں, نماز کے نمازی بن جائیں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. دعا تو یہ دعا ہے, ابھی دعا تو ہوئی نہیں, ابھی تو دعا سے پہلے تمہید ہے یہ, کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے بعض اولاد کو بیابان جگہ پہ چھوڑ دیا, اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو, ایک بچے کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس, اے اللہ تاکہ نماز قائم کریں. ابھی تو یہ تمہید ہے دعا کی, دعا تو نہیں ہے ابھی, یہ دعا کا ادب ابھی ذکر ہوا ہے. دعا کیا ہے؟ فجعل افئدۃ من الناس, یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, اے اللہ آپ کر دیجئے لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم, کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. یہ اب وہ بیت اللہ کے حوالے سے دوسری دعا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں. ورزقہم من الثمرات, اور اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے. لعلہم یشکرون, تاکہ یہ شکر گزار بنیں. تو یہ بیت اللہ کے حوالے سے دو دعائیں ہیں, ایک دعا ہم نے کل پڑھی تھی اور ایک آج. اور کل جو دعا پڑھی تھی وہ ہم نے پڑھی تھی امن کی, اور میں نے ذکر کیا تھا کہ امن یہ بڑی نعمت ہے, رزق سے پہلے امن کی ضرورت ہے. امن ہوگا تو تھوڑا رزق ہوگا, زیادہ رزق ہوگا تو وہ محفوظ ہوگا. اگر امن نہیں ہے تو تھوڑا رزق ہے, زیادہ رزق ہے, وہ آپ کا تو ہے ہی نہیں, وہ تو چوروں ڈاکوؤں کا ہے. تو امن کی دعا پہلے ہے, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. اور پھر اپنے لیے دعا کی, اپنی اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی دعا کی. اور پھر دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اب یہاں لوگوں کو آباد کر دیں, اب لوگ یہاں آباد ہو جائیں, لوگوں کے دلوں کو کر دے کہ لوگوں کے دل مائل ہو جائیں میری اولاد کی طرف.
यहाँ मेरी औलाद अब ये अल्लाह आपके हुक्म से यहाँ रह रही है, तो अब यहाँ लोग होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ। दीगर आयात में तफसीलात मौजूद हैं। जब हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर नौ की, अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब ऐलान करें लोगों में हज का। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह या मेरा ऐलान कौन सुनेगा, यहाँ तो इंसान। देखिए सैयदा हाजर ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पानी की ज़रूरत पड़ी, दूध ख़त्म हो गया, दूध वगैरह के लिए भी खाने पीने की ज़रूरत होती है माँ को, खाना पीना भी नहीं था तो अब वो दूध भी नहीं है बच्चे के लिए, तो अब जब हज़रत हाजर जो हैं वो कहीं से पानी तलाश करूँ, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ती हैं, कभी मरवा पहाड़ी पर चढ़ती हैं, तो अल्लाह ने वो उसकी याद में सही का अल्लाह ने हुक्म दे दिया। तो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ती थी, मरवा पहाड़ी पर चढ़ती थी कि कोई दूर दराज कोई यहाँ से गुजरने वाला बंदा, कोई तालाब, कोई नहर, कोई जानवर, कोई परिंदा नज़र आ जाए तो इस बात की दलील होगी कि कहीं ना कहीं खाना मौजूद है, कहीं ना कहीं पानी मौजूद है। तो बाहर कुछ भी नहीं मिला, सात दफ़ा उन्होंने चक्कर लगाए, तो सातवीं दफ़ा जब मरवा से नीचे उतरी तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर पर मारकर अल्लाह के हुक्म से पानी जारी हो गया। पानी जारी होने उसको रोकना चाहा, वो रुका नहीं, जमजम कहा अपनी ज़बान में तो वो जमजम कहलाया, जमजम का कुआं आज तक जारी है, उसकी बरकत, और वो एक अलग मौजू है। अब जब वहाँ पानी हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता बनी जुर्हम के लोग आबाद होना शुरू हो गए, लेकिन ये आबादी इतनी तेज़ी से नहीं होती, बड़ा ये एक देर पा और लंबा काम है जिसमें सालों लग जाते हैं, दसियों बीसियों साल लग जाते हैं एक बयाबान जगह पर आबादी होते होते। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आए गोया के खाना काबा की तामीर के लिए, हज़रत इस्माईल बड़े हो चुके हैं, ज़िबा वाला वाक़ भी पेश आ चुका है, तो गोया के अभी भी आबादी नहीं है उस तरह करके। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा लोग आबाद हो जाएँ, कुछ लोग आबाद होना शुरू हो गए, अल्लाह यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आबाद हों। जब बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद की हैं, तामीर नौ की है दोनों ने, तो अल्लाह का हुक्म है कि जी ए इब्राहिम अब ऐलान करें लोगों में हज का, अब हज हुआ करेगा। पहले भी हज होता होगा वल्लाहु ताला आलम, अब जब बैतुल्लाह और बैतुल्लाह के निशानात ही मिट चुके हैं, अब कौन सा हज, अब बैतुल्लाह की तामीर नौ हुई है, अब हज का सिलसिला। अल्लाह ने हुक्म दिया वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज यातूक रिजालन वअला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, सूरह हज में क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों में हज का ऐलान कर दें, पहाड़ी पर चढ़कर एक आवाज़ लगा दें कि ऐ लोगों अल्लाह ने हज फ़र्ज़ किया है और अल्लाह ने हज मुकर्रर किया है, हज करो अल्लाह के घर को। बहुत अजीम अमल है, आजकल हम हज के महीनों से गुजर रहे हैं, बहुत से हाजी जिनको अल्लाह ने बुलाया है वो हज करने जा चुके हैं, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी नेकी है। अलहज्जुल मबरूर लैस लहु जज़ाउन इल्ला अलजन्ना, मकबूल हज की जज़ा जन्नत के अलावा कुछ नहीं। मन हज फलम यरफुस वलम यफसुख रजा कयौमी वलदतु उम्मुह, जो बंदा हज करता है बैतुल्लाह का और कोई फहश बातें फहश काम नहीं करता, फिस्को फजूर नहीं करता, तो वो अपने हज से जो हज अल्लाह के यहाँ कबूल होता है वैसे लौटता है जैसे वो आज ही पैदा हुआ है। बहुत बड़ा अमल है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया आप ऐलान करें, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं ऐलान तो कर देता हूँ लेकिन मेरा ऐलान सुनेगा कौन। तो अल्लाह ने बताया कि अल्लाह ने फरमाया कि आपका काम ऐलान करना है, लोगों को भेजना मेरा काम है। बहरहाल भेजना अल्लाह ने था लोगों को और अल्लाह ने फिर भेजा लोगों को। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम आप लोगों में ऐलान करें, लोग पैदल भी आएंगे, लोग सवारियों पर सवार होकर भी आएंगे, या तू कर रिजालूँ वाला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, लोग पैदल भी आएंगे दूर दराज के इलाकों से, और लोग दुबली पतली ऊँटनियों पर, दुबली पतली ऊँटनियों पर यानी जो लंबे सफ़र से वो जो मोटे ताज़े ऊँट होते हैं वो पतले हो चुके होंगे, लंबे लंबे सफ़र से लोग आएंगे और दूर दराज से आकर हज करेंगे।
یاتین من کل فج عمیق، دور دراز سے لوگ آئیں گے۔ اللہ نے سکھایا، اللہ نے بتایا کہ انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور تدبیر کرنا ہے، اور اس تدبیر کو انجام اللہ نے پہنچانا ہے۔ السعی منا والاطمئنان من اللہ، لیکن انسان کوشش کرتا ہے، اس کوشش کو پار اللہ لگاتے ہیں، اجر اس کوشش کرنے والے، سارا اجر اس کوشش کرنے والے کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اب قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے، اس اجر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اجر شامل ہے، وہ جو انہوں نے لوگوں کو آواز لگائی اور ندا لگائی اور اعلان کیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام شامل ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی۔ تو بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، تہوی کا کیا معنی ہے؟ مائل کر دے، آپ کر دیں لوگوں کے دلوں کو تہوی۔ یہ چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، کہ وہ مائل ہوں، یعنی وہ دل مائل ہوں۔ مؤنث کا صیغہ ہے غائب کا، واحد مؤنث غائب، چوتھا صیغہ، یہوی یہوی یعنی یہوونا تہوی، چوتھا صیغہ ہے فعل مضارع کا۔ تو یہ فعل مضارع ہے، اس کا فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ اس کا فعل ماضی ہوا استعمال ہوتا ہے، فعل ماضی ہے ہوا، ہوا۔ فعل مضارع کیا ہے اس کا؟ یہوی۔ کون سا باب ہوا گرامر کی روح سے؟ ہوا یہوی۔ جی کون بتائے گا آپ میں سے، کون سا باب ہوا یہ؟ ضرب یضرب، باب ضرب یضرب ہے۔ ہوا ہوا یا ہے، یہوی یہ یفعل، تو ضرب یضرب باب ضاد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گرنا۔ سورہ نجم ہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اسی سے یہوی ہے فعل مضارع گرنا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو کر دیں کہ وہ ان کی طرف گر جائیں، یعنی ان کی طرف مائل ہو جائیں لوگوں کے دل، لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچ جائیں اللہ کی طرف سے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس دل کو جس کی طرف چاہے مائل کر دے، جس کی طرف چاہے کھینچ دے۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے ساتھ کھنچ جائیں اور یہاں آ کر رہنا شروع۔ تو یہ ہے ہوا یا ہوئی گرنا۔ اچھا ایک اور بھی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اللہ فرماتے ہیں یہود کے بارے میں، بما لا تہوا انفسکم، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ مائدہ میں بھی ہے۔ فکلما جاءکم رسول بما لا تہوا، یہ تہوا کیا چیز ہے؟ نہیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ نہیں، نہیں تو نہیں ہے، یہ مضارع ہے، یہ ماضی ہے، ماضی تو نہیں ہو سکتا، شروع میں علامت مضارع موجود ہے، مضارع تہوا جی، یہ ہے تہوا۔ تہوا کا مطلب ہے، اگر ہم اس کا پہلا صیغہ کریں گے، یہ فعل مضارع، اور یہ فعل مضارع کا وہ چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اس کا فاعل انفسکم ہے، انفس مؤنث ہے، تو تہوا۔ تو تہوا کا پہلا صیغہ یا ہوا بنا، تو اب یہ کیا ہے؟ یا یہاں یہوی ہے اور یہ یہوا ہے، تو یہ یہوی اور یہوا دونوں استعمال ہوتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ فتح یفتح، یہ ایک الگ باب ہے، یہ ہوا یہوا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے حاویہ یہوا، حاویہ یہوا، یہ ایک اور باب ہے، اسی سے ہا واو یا سے۔ تو یہ دو باب استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوا یہوی، ایک ہوا یہوی اور ایک حاویہ یہوا۔ اور حاویہ یہوا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پسند کرنا۔ ہم اردو میں، عربی میں بھی ہوا، لفظ ہوا استعمال ہوتا ہے خواہش کے معنی میں، کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ خواہش کے معنی میں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لے؟ تو ہوا وہ مصدر ہے، ہواہ اسی سے مصدر ہے، تو خواہش ہوا، ہوا متبع حدیث میں آتا ہے، ایسی خواہش جس کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے۔ تو حاویہ یا ہوا کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا۔ یہاں دیکھیں، افکلما جاءکم رسول، کیا جب کبھی، یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، کیا جب کبھی تمہارے پاس ایسا رسول آیا، بما، وہ چیز لے کر، لا تہوا انفسکم، جو نہیں اچھا لگا تمہاری جانوں کو،
जो तुम्हारी जानों को पसंद नहीं आया, तुम्हारे दिलों को अच्छा नहीं लगा, इस तकबर तुम, तो तुमने तकबर किया, फ़रीक़न कज़ब तुम व फ़रीक़न तक़्तुलून, एक गिरोह को तुमने कत्ल कर दिया और एक गिरोह को तुम, एक गिरोह को तुमने झुठला दिया और एक गिरोह को तुम कत्ल कर देते थे। तो तहवा का मतलब क्या हुआ? पसंद आना, अच्छा लगना। तो ला तहवा, नहीं अच्छा लगा तुम्हारी जानों को। तो ये अब हवी या हवा, इसका मतलब पसंद करना होता है, अच्छा लगना, पसंद करना। और हवा या हवी का मतलब गिरना। गिरने में भी अगरचे वो पसंद का माना शामिल है, जब एक शख्स किसी चीज़ पर गिरता है, किसी चीज़ पर मरता है, तो इसमें भी ख्वाहिश का माना शामिल है। बहरहाल चूँकि रूट एक ही है। बहरहाल हवा या हवी गिरने के माना में, और हवी या हवा पसंद करने या अच्छा लगने के माना में, ये दोनों बाब कुरान में इस्तेमाल होते हैं। ये जो अब हम पढ़ रहे हैं, तो ये तहवी, तो ये गोया कि हवा या हवी वाला बाब है गिरना। और तहवा ये वो भी मुजाहरे है, वो हवी या हवा वाला बाब है, बाब समी या इस्माओ। तो बहरहाल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह कर दे लोगों के दिलों को कि वो गिर जाएं, माइल हो जाएं इलैही मिन की तरफ, और ऐ अल्लाह इन्हें फलों का रिस्क दे। अब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं इन्हें आपके हुक्म से बैतुल्लाह छोड़ दिया है, तो ऐ अल्लाह अब आप इन अहले मक्का को फलों का रिस्क दें, और ऐ अल्लाह यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाएं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं, और इस दुआ के लिए वसीला बना रहे हैं। किस चीज़ को? अपने अमल को, जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सर अंजाम दिया था। वो क्या अमल था? कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी औलाद को और अपने घर वालों को, अपनी बीवी को एक बयाबान जगह में अल्लाह के हुक्म से ठहरा दिया था। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इस आजमाइश पर भी पूरा उतरे। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, और दुआ करने के लिए अपने अमल को वसीले के तौर पर पेश किया। मैंने जिक्र किया दुआ शुरू हो रही है फ़जाल अफ़ीदत मिन अन्नास तहवी से, और पीछे क्या है? पीछे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना अमल पेश कर रहे हैं, जिससे पता लगता है कि अल्लाह से दुआ करते हुए अपने अमल का वसीला पेश करना चाहिए। क्या है? अल्लाह मैंने ये काम आपकी ज़ात, आपको राज़ी करने के लिए किया। दुआ का एक बड़ा अदब ये है कि इंसान अल्लाह से दुआ करते हुए अपना खलूस के साथ किया गया अमल इंसान अल्लाह के हुजूर पेश करे। जैसे वो जो तीन लोग गार में फंस गए थे, तो उन्होंने अल्लाह के हुजूर अपने अमाल पे, नेक अमाल पेश किए। उन्होंने कहा कि अब ये गार के ऊपर से पत्थर नहीं हटने लगा, अब ये एक ही सूरत में हट सकता है कि हम अपने खलूस से किए गए अमाल याद करें, और हम उस अमल के वसीले से अल्लाह से दुआ करें। वो मशहूर हदीस है सही बुखारी वगैरह की, वो आपने सुन रखी है बनी इसराइल के वाक़े में। तो दुआ का एक बड़ा अदब ये है कि जब इंसान दुआ करे अल्लाह ताला से, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारे, ये किसी के वास्ते वसीले से, ए अल्लाह फ़लाँ के सदक़े ये कर दे, फ़लाँ के सदक़े ये कर दे। लोग कहते हैं जी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह से दुआ की थी, हालाँकि कुरान में दुआ मौजूद है रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना, किसी के वसीले से नहीं मांगो, कुरान में दूसरा हिस्सा मौजूद है, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारा था। अल्लाह को डायरेक्ट पुकारना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उद्उनी अस्तजीब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा मुझे पुकारो मैं पुकार कबूल करूँगा। हाँ, वसीला देना है तो इंसान अल्लाह को अल्लाह की सिफात का वास्ता दे, इंसान अल्लाह को अपने खलूस के साथ किए गए नेक अमाल का वास्ता दे। जैसे यहाँ सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हुए अपने नेक अमल का वसीला पेश कर रहे हैं, ऐ अल्लाह आपके हुक्म से अपनी औलाद को बयाबान जगह ठहराया है आपको राज़ी करने के लिए, अब आप मक्का मुकरमा को, आप यहाँ लोगों को बसा दें, और आप इसको यहाँ फलों का रिस्क दें। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, और दुआ करने के लिए अपना अमल वसीले के तौर पे पेश किया। सूरह फातिहा के अंदर भी हमें ये दुआ का तरीका और दुआ का ये अदब सिखाया गया है। अल्लाह से दुआ करते हुए अल्लाह को अल्लाह की सिफात का वास्ता दिया गया है। शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, फिर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन में अपना अमल वसीले के तौर पर पेश किया गया, और फिर आगे दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसी तरह कुरान करीम की कई दुआएं हैं, रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। अब दुआ क्या है? फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। लेकिन पीछे अमल पेश किया गया, रब्बना इन्ना आमन्ना, ऐ अल्लाह हम ईमान लाए आपकी पुकार पर, आपके नबी की पुकार पर, हमने लब्बैक कहा है,
तो ऐ अल्लाह हमारे इस खलूस के साथ किए गए अमल के नतीजे में ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। तो ये अल्लाह ने कुरान करीम में हमें ये सिखाया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि अल्लाह से दुआ करते हुए अल्लाह को अल्लाह की प्यारे प्यारे नामों का वास्ता दिया जाए, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहू बिहा, और अल्लाह से दुआ डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करते हुए अल्लाह को अपने खलूस के साथ किए गए नेक अमाल का वास्ता दिया जाए। और तीसरा वसीला क्या है, वो है कि इंसान किसी बुज़ुर्ग के पास जाकर, किसी ज़िंदा बुज़ुर्ग के पास जाकर उसे दुआ करवा ले। उसका जिक्र भी कुरान करीम में कई मकामात पर मौजूद है। तो तीन जायज़ वसीले हैं, बाकी किसी फौजशुदा का वसीला देना और तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ताला लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आबाद हों, और अल्लाह ताला इन्हें फलों का रिस्क दे, फलों का रिस्क दे। पहले भी बात हो चुकी है, अक्सर फलों के रिस्क की बात आती है। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और उस पानी के ज़रिए अल्लाह ने फलों का रिस्क निकाला, फ़अख़रज बिही मिन अस्समरात रिज़्क़न लकुम। तो पानी से तो गंदम और फसलें और दालें और अनाज और ये चीज़ें भी होती हैं और फल भी होते हैं। तो आमतौर पर फलों का जिक्र क्यों होता है, क्या वजह है? तो ज़रूरत ऑटोमेटिक आ जाएगी। हाँ जी, यानी फल जो है वो ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से एक जायद नेमत है, एक लग्जरी है, एक तायुश है। तो यानी जो फल जो है जी, फल जो है वो इंसान यानी कि लज़्ज़त के लिए इस्तेमाल करता है, यानी कि वो उसे वो खुराक के तौर पे नहीं किया जाता है इस्तेमाल अमूमन तौर पे। जी जी क्योंकि मक्का जो है ना वो एक ऐसी खुश्क जमीन थी जिसका मौसम और जिसकी जमीन जो है ना दोनों ही ज़राअत के लिए सूटेबल नहीं थी। तो शायद वो ऐसी मांगी हो कि वो जमीन बहुत आबाद हो जाए। जी बहरहाल फलों के रिस्क से अल्लाह ताला आमतौर पर जब बारिश का जिक्र करते हैं उसके साथ भी फलों का रिस्क का जिक्र करते हैं, अगरचे बारिश से फलों का रिस्क भी होता है और जो अनाज और चावल और ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये भी सारी बारिश से होती हैं। तो फलों के रिस्क में वल्लाहु आलम ये इशारा मौजूद है कि जो अल्लाह ताला लज्जत की चीज़ मुहैया करें और तायुश की चीज़ मुहैया करें तो ज़रूरत इंसान की ज़रूरत तो पेट भरना है और इंसान पेट अनाज से भरता है, तो वो अल्लाह अनाज तो पहले अता करेंगे फिर तायुश और लज्जत की चीज़ अता करेंगे। तो बहरहाल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, अल्लाह इन्हें फलों का रिस्क दे, यानी वो जो असल ज़रूरत का खाना पीना है वो तो मिले ही मिले, ऐ अल्लाह वाफर रिस्क हो और ऐसा रिस्क हो कि वो बाद में मुँह भी मीठा कर सकें। बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की फल, तो ऐ अल्लाह फलों का रिस्क दे। और अल्लाह ने देखिए ऐसा रिस्क अल्लाह ने दिया है मक्का वालों को जहाँ ज़रात नहीं होती, अभी भी ज़रात नहीं होती मक्का में, लेकिन आप देखिए कि हर किस्म का अनाज और हर किस्म का फल, हर किस्म के अल्लाह की नेमत मौजूद है। इसे पता लगता है कि अल्लाह से दुनियावी रिस्क की दुआ करना कोई गलत दुआ नहीं है, नबियों की दुआ है, अल्लाह से दुनिया मांगी जा सकती है और अल्लाह से ऐशो इशरत मांगी जा सकती है दीन के साथ, अगर दीन हो तो साथ दुनिया दोनों मांगी जा सकती है। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना फिल आखिरत हसना वकीना अज़ाब अन्नार। असल जो ख़राबी है वो दीन छोड़कर सिर्फ दुनिया मांगना, अगर एक बंदा बैतुल्ला जाकर भी सिर्फ अल्लाह से दुनिया ही मांगे वो दुनिया पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती, लेकिन इंसान की आखिरत ज़रूर तबाह हो जाएगी, इंसान का दीन ज़रूर तबाह हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं फ़मिन अन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। कई लोग हैं बैतुल्ला जाकर भी अल्लाह से दुनिया मांगते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और जो अल्लाह से दुनिया भी मांगे आखिरत भी मांगे तो अल्लाह उसे दुनिया भी देते हैं और आखिरत भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। तो अल्लाह से दुनिया मांगना कोई ये बुरी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह से अल्लाह की नेमतें मांगनी चाहिए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ की थी जब मदीन पहुँचे थे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ अल्लाह आपने मेरे लिए जो भी रिस्क नाजिल करना है, जो भी खैर उतारनी है, मैं उसका फ़कीर हूँ, उसका मोहताज हूँ। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रहाइश का इंतज़ाम भी कर दिया, कुछ ही देर में शादी का इंतज़ाम भी कर दिया और खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दिया।
तो अल्लाह से यानी दुनिया की नियमतें मांगी जा सकती हैं, बिल्कुल मांगी जा सकती हैं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ है, रब्बी हबली मुल्क ला यंबगी ली अहद मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो आपने न मुझसे पहले किसी को दी हो न मेरे बाद किसी को दी हो, आप ही अता करने वाले हैं। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने उन्हें भी ऐसी बादशाहत अता की जो न पहले कभी अता की न बाद में कभी अता की, लेकिन उनकी इन दुआओं के अंदर दीन भी है दुनिया भी है, दीनदारी भी है और दुनिया भी है। लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये शुक्र करें, जो असल मकसद है अल्लाह की नियमतों के बाद शुक्र। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन, ऐ हमारे रब बेशक आप जानते हैं जो हम छुपाते हैं, व मा नुअलिन और जो हम जाहिर करते हैं। अल्लाह की तारीफ है दुआ के अंदर, अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह को अल्लाह की सिफात का वास्ता देना चाहिए। ये दुआ की कबूलियत के लिए एक बड़ा अहम टूल है, बड़ा अहम अदब है। तो ऐ अल्लाह हमारे मख्फी और हमारे अलानिया हर काम को आप जानते हैं। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस्समा, और नहीं मख्फी अल्लाह पर कोई भी शय, ना आसमानों में और ना ज़मीन में। अच्छा, यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, फ़जअल अफ़इदतम मिनन नास, ऐ अल्लाह कर दे दिलों को लोगों से। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़जअल अफ़इदतम मिनन नास कहा, फ़जअल अफ़इदतन नास नहीं कहा, फ़जअल अफ़इदतन नास अगर मिन ना होता, और फ़जअल अफ़इदतम मिनन नास का क्या फ़र्क है? ये वही फ़र्क है जो मिन ज़ुर्रियती की बात पर पीछे मैंने की। मिन तबईज़िया भी होता है जिसमें बाज कुछ का माना होता है, मैंने अपनी औलाद का एक हिस्सा, अपनी बाज़ औलाद को मैंने मक्का मुकरमा में बसाया। सारी औलाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मक्का में नहीं बसाई गई अल्लाह के हुक्म से, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का में बसाया गया। इसी तरह फ़जअल अफ़ीदतम मिनन नास, ऐ अल्लाह कर दे दिलों को कुछ लोगों के, लोगों में से कुछ लोगों के दिलों को कर दे कि वो इनकी तरफ माइल हो जाएं। यानी मुराद ये है कि मक्का मुकरमा में ऐ अल्लाह सारे लोग ना आकर आबाद हों, कुछ लोग आबाद हों। कौन से कुछ लोग? जो नेक लोग हैं, यानी मक्का मुकरमा में मुसलमान आबाद हों, मक्का मुकरमा में बुरे लोग और अल्लाह के नाफरमान किस्म के लोग आबाद ना हों। वरना अगर फ़जअल अफ़ीदतन नास होता, इमाम इब्न कसीर ने लिखी है ये बात, अगर फ़जअल अफ़ीदतन नास होता तो फिर वो जो अल्लाह ताला ने मक्का मदीना को ख़ास कर दिया है मुसलमानों के लिए और मुशरिकीन को वहाँ से निकालने का हुक्म दिया, फिर वहाँ सारे ही आबाद होते, फिर मुसलमान और काफिर सब लोग ही वहाँ आबाद होते। लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से जब दुआ की तो मखसूस लोगों की दुआ की, हर किस्म के, हर ऐरे गैरे लोग आकर आबाद ना हों, मखसूस किस्म के लोग आबाद हों, यानी नेक लोग, मुसलमान लोग। इसीलिए मक्का मदीना में नेक लोग ही जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं जिसने अता किया मुझे अलल किबरी बुढ़ापे में, बुढ़ापे के बावजूद इस्माईल व इसहाक, इस्माईल भी और इसहाक भी। कुरान करीम में जहाँ भी हज़रत इस्माईल हज़रत इसहाक का जिक्र आता है, पहले इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, जिससे पता लगता था इस्माईल अलैहिस्सलाम पहली औलाद है, और पहली औलाद को ज़िबा करने का हुक्म हुआ, और इससे इस मुआलते का रद्द होता है जो यहूदी बनी इसराइल, बाद मुसलमानों को भी ये मुआलता हुआ कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पहली औलाद थे और उन्हें ज़िबा किया गया। हालांकि सही बात यह है, मैंने कई दफ़ा इस मौजू पर बात की, सही तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया करने का हुक्म हुआ, वो ज़बी हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, वो पहली औलाद है और वही मक्का मुकरमा में आबाद हुए थे, और ये सारा वाक़या मक्का में हुआ है। तो हज़रत इस्माईल पहली औलाद है, हज़रत इसहाक की तो बशारत ज़िबा वाले वाक़े के बाद हज़रत इसहाक की बशारत मिली है। तो तमाम तरीक़े उस ज़ात की जिसने अता किया मुझे बुढ़ापे के बावजूद, दोनों हज़रत इस्माईल हज़रत इसहाक बुढ़ापे में हुए, हज़रत इस्माईल तकरीबन 80 साल की उम्र में अल्लाह ने वो दिए, और तकरीबन 93 साल की उम्र में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। इन रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा रब अलबत्ता बहुत सुनने वाला है दुआ को। तो ये दुआएँ हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिसमें अल्लाह की तारीफ़ भी है और इसमें दुआएँ भी हैं, अभी दुआएँ जारी हैं। इस मौजू को इंशाल्लाह कल मुकम्मल करते हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।